दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रेनेसांस प्रोस और एलिजाबेथन प्रोस के ऊपर दोस्तों बात करेंगे। बहुत ही डिटेल में आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करके और ऑल क्वेश्चन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। दोस्तों, रेनेसांस प्रोस या फिर एलिजाबेथन प्रोस को पढ़ने से पहले हमें बैकग्राउंड जानना ज़रूरी है कि क्यों उस टाइम पे प्रोज या फिर लिटरेचर इतना डेवलप्ड हुआ। क्योंकि इससे पहले तो जो चर्च का हुकूमत था, चर्च की पावर थी, तो लोग अपने इच्छा से या फिर कुछ लिख नहीं पाते थे। जो भी लिखना होता था वो रिलीजन या फिर चर्च के ऊपर लिखना होता था। अगर कोई इससे अलग कोई कुछ सब्जेक्ट के ऊपर लिखता है तो उसको पनिशमेंट मिलती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एलिजाबेथन एज पर ही रेनेसा आया और लिटरेचर या फिर प्रोज का इतना डेवलप्ड हुआ। दोस्तों, उस टाइम पे प्रोज राइटिंग या फिर लिटरेचर के डेवलपमेंट में दो सबसे बड़े कारण थे। सबसे पहले दोस्तों, रेनेसा। रेनेसा का मतलब है दोस्तों, रिवाइवल ऑफ सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड कल्चरल कंडीशन ऑफ ए कंट्री। जब किसी भी कंट्री में सोशल पॉलिटिकल इकोनॉमिक और कल्चरल कंडीशन एक साथ रिवाइवल होता है, डेवलप्ड होता है, तो उसे हम कहते हैं रेनेसा। दोस्तों, रेनेसा सबसे पहले आया था इटली में और अर्ली 16th सेंचुरी में ये आया इंग्लैंड में। दोस्तों, रेनेसा जब इंग्लैंड में आया तो रेनेसा के साथ जो पुराना जो लिटरेचर था वो ख़त्म हुआ और एक न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर ग्रो हुआ इंग्लैंड में। क्योंकि उस टाइम पे न्यू जो राइटर थे, लेखक थे, वो भी लिटरेचर लिखना उन्होंने स्टार्ट किया। तो रेनेसा के साथ साथ एक न्यू फॉर्म ऑफ लिटरेचर उस टाइम पे इंग्लैंड में ग्रो हुआ। तो इसके साथ साथ लिटरेचर के साथ साथ जो प्रोस राइटिंग थी वो भी धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हुआ। दोस्तों, एक कारण था रेनेसा। दूसरा दोस्तों, अगर हम कारण की बात करें तो वो है क्वीन एलिजाबेथ का इंटरेस्ट लिटरेचर एंड आर्ट में था। क्वीन एलिजाबेथ आर्ट एंड लिटरेचर में बहुत इंटरेस्टेड थी, उनको आर्ट और लिटरेचर बहुत ही पसंद था। तो क्योंकि वो क्वीन थी, तो क्वीन की जब इंटरेस्ट है तो डेफिनेटली बात है जो कंट्री है उसमें भी ग्रो होगा। क्योंकि इससे पहले जो चर्च के हुकूमत थी, चर्च के जो पादरी थे, वो इंग्लैंड के जो पब्लिक थी उनको अपने मन से कुछ लिखने नहीं देती थी। इसीलिए लिटरेचर इतना बुरा था, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट था रिलीजियन, इसके ऊपर कोई कुछ नहीं लिख पाता था। अगर कोई लिखने की कोशिश करता तो उसको डेथ पेनल्टी भी मिलती थी। लेकिन क्वीन एलिजाबेथ जब गद्दी पे बैठी तो उनका इंटरेस्ट लिटरेचर आर्ट में बहुत था। तो उन्होंने भी हर किसी को इंस्पायर किया कि लिटरेचर आपके वेरियस सब्जेक्ट में लिखने के लिए। तो उनकी जो इंटरेस्ट थी ये इंग्लैंड में बहुत ही अच्छी एक इम्पैक्ट लाया था। तो लिटरेचर भी बहुत ग्रो हुआ और इसके साथ साथ प्रोज राइटिंग धीरे धीरे ग्रो होना स्टार्ट हुआ। दोस्तों, ये दो कारण था उस टाइम पे प्रोज राइटिंग की डेवलपमेंट में। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि रेनेसांस पोइट्री या फिर एलिजाबेथन पोइट्री क्या था और कैसे था। दोस्तों, इंग्लैंड में पोस्ट प्रोज राइटिंग डेवलप धीरे धीरे हुआ, वो हुआ एलिजाबेथन एज में या फिर रेनेसा की एज में। क्योंकि उस टाइम पे मैंने पहले भी कहा था दो कारण था, एक तो रेनेसा और दूसरा था एलिजाबेथ की इंटरेस्ट प्रोज राइटिंग में। दोस्तों, उस टाइम पे प्रोज लिखने का फॉर्म था, उस टाइम पे प्रोज पैम्फलेट में लिखा होता था, ट्रांसलेशन में लिखा होता था और एसएस में प्रोज लिखना होता था। तो ये दोस्तों प्रोज राइटिंग की फॉर्म थी। और दोस्तों, उस टाइम पे प्रोज का जो सब्जेक्ट था वो डिफरेंट था। साइंस के ऊपर प्रोज लिखना होता था, रिलीजन के भी ऊपर लिखना होता था और पॉलिटिक्स और फिलोसॉफी के ऊपर भी उस टाइम पे प्रोज लिखना होता था। इसके अलावा भी बहुत बहुत सब्जेक्ट थे जिसके ऊपर राइटर ने प्रोज लिखना स्टार्ट किया। दोस्तों, उस टाइम पे जो मोस्ट प्रोज है वो लिखना होता था क्लासिकल ट्रांसलेशन के ऊपर। उस टाइम पे क्या था कि रेनेसा आया था, तो रेनेसा के साथ साथ जो क्लासिकल जो लिटरेचर था उसका रिवाइवल हुआ। जो राइटर थे वो क्लासिकल लिटरेचर को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो प्रोज राइटिंग इसी तरह स्टार्ट हुआ कि जो क्लासिकल राइटिंग थी उसको इंग्लिश में लिखना स्टार्ट हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा एक साइड था प्रोज राइटिंग में। दोस्तों, उस टाइम पे अगर हम बात करें कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर थे, तो सबसे पहले साथ है जॉन लिली, उसके बाद फिलिप सिडनी और फ्रांसिस बेकन। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट उस टाइम पे प्रोज राइटर थे। इसके अलावा भी बहुत राइटर है लेकिन ये तीनों इंपॉर्टेंट थे और फेमस थे। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना। आज हमने इस वीडियो में प्रोज एलिजाबेथन प्रोज या फिर रेनेसा प्रोज के ऊपर बात किया, क्या बैकग्राउंड था, कैसे प्रोज राइटिंग थी और क्या सब्जेक्ट थी, सबके ऊपर बात किया। लेकिन दोस्तों, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है मुझे कमेंट में बोल सकते हैं। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करिए। गुड बाय, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए।